students, so till now we have discussed the phylum Cnidarians or Cylindrata. Now in today's lecture, we are going to discuss about Ctenophora and the conch jelly. Okay, sorry, means Ctenophora is actually also known as conch jelly. तो हमने आज तक अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, हमने अभी तक Cnidarians तक पढ़ लिया. अभी क्या पढ़ेंगे आज? आज हम पढ़ेंगे Ctenophora के बारे में, या फिर हम इसे कहते हैं conch jelly, और दूसरा इसका नाम है sea walnuts, या नॉर्मली हम कहते हैं इसे conch jellies. ठीक है, अब देखो conch क्यों कहते हैं, बिकॉज इट लुक लाइक conch, इट अपीयरेंस लाइक conch. conch मतलब क्या है? कंघी जैसा अपीयरेंस होता है. कैसे होता है? अब देखो पहला जो डिफरेंस है, देखो ये भी जेलीफिश है, ये एक तरह का जेलीफिश ही है. ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ एनिमल है, ये बहुत छोटा ग्रुप ऑफ एनिमल है. इसमें अब तक हमने 50 स्पीसीज डिस्कवर किए हैं. ठीक है, एंड द Ctenophora वाज अ डिस्टिंक्ट ग्रुप, वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज Isselots. Isselots स्पेलिंग बता रहा हूं मैं, Isselots in 1829. So he was a scientist who actually first time recognized this group of animal as a different phylum. Okay. अब देखो बात करते हैं हम डिटेल में. पहला है कि जो जेलीफिश है, जो हम पिछले फाइलम में डिस्कस किए थे, उसमें हमने क्या देखा कि उनके जो डिस्टिंग जो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसमें क्या होता है, उनमें नेमाटोसिस्ट होता है, स्टिंगिंग सेल्स होता है. इसका मतलब क्या है कि सब में वही होगा, लेकिन ये जो जेलीफिश है, इनमें पहला जो डिफरेंस है ना, इसमें इनमें कोई भी स्टिंगिंग सेल या जो नेमाटोसिस्ट है या नीडोब्लास्ट सेल्स है, वो बिल्कुल नहीं होते. ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट दे आर हैविंग यू नो कैनाल और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर. जब हम इसका एलएस सेक्शन देखेंगे अभी आगे, तो आपको पता चलेगा कि इनके बॉडी में ना कैनाल्स हैं, और यू नो उसको हम बोलते हैं प्लेट्स है. ठीक है, और वो जो प्लेट्स और कैनाल सिस्टम है, ठीक है, वो टोटल आपके आठ होते हैं, एट प्लेट्स और एट कॉम प्लेट्स आ देयर. और उसमें क्या होगा, उनके ऊपर सीलिया रहते हैं. ओके, तो जब प्लेट्स के ऊपर सीलिया रहते हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट इट लुक लाइक अ कॉम, और कंघी जैसा दिखता है, इसीलिए हमने क्या नाम दे दिया इसका, conch jelly. ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दिस एनिमल्स और दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अब तक हमने जितना भी पढ़ाई किया है इनके बारे में, हमने जितना स्टडी किया है, तो हमें पता चला है कि मैक्सिमम जितने भी हैं सब, एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली का मतलब सब के सब, जितना हमने अभी तक पढ़ा है इनके बारे में, इनके स्पीशीज के बारे में, जैसे मैंने कहा 50 स्पीशीज हमने अभी तक पढ़ लिया है या फिर स्टडी कर लिया है हमने, तो वो सब के सब मराइन. इसका मतलब क्या है कि इनका कोई भी फ्रेश वाटर स्पीसीज नहीं है अब तक, हमें नहीं मिला अब तक. ठीक है, तो सब के सब मैराइन होते हैं, राइट. अच्छा, अगर हम इसकी सिमेट्री देखेंगे या बॉडी फॉर्म देखेंगे, तो थोड़ा वेरिएबल होता है, बट सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री इनका होता है रेडियल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्रिकल. ठीक है, बट अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो हमें इसे बायलेटरल सिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं, और उसको हम बोल सकते हैं बाय रेडियल सिमेट्री बोल सकते हैं, एक्चुअली बायलैटरल नहीं बोल सकते, बट बाय रेडियल सिमेट्री. क्यों बोलते हैं? बिकॉज द अलाइनमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स गिव्स द अपीयरेंस ऑफ रेडियल सिमेट्री, एंड द टेंटेकल्स एंड ब्रांचेस ऑफ द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैनाल आर अ बायलैटरल ड्राइव. ठीक है, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका जो हम कॉम्प्लेक्स देखेंगे ना, तो ये हमें क्या दिखा, हमें क्या पता चलता है, ये रेडियल सिमेट्री ऐसा लगता है. लेकिन जब हम इंटरनली देखेंगे, इसके बॉडी में जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैनाल है, वो एक्चुअली बायलैटरल सिमेट्री दिखाता है. ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बाय रेडियल सिमेट्री. इसका सिमेट्री हम क्या कह सकते हैं उसे, सिर्फ रेडियल सिमेट्री नहीं, आप यहां पे लिख लीजिएगा, इट इज एक्चुअली हैविंग बाय रेडियल सिमेट्री, BIRADIAL, बाय रेडियल सिमेट्री. ठीक है, मतलब रेडियल और बायलैटरल दोनों है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, बाय रेडियल सिमेट्री. ठीक है ना, चलो नेक्स्ट, दे आर डिप्लोब्लास्टिक नॉर्मली. ओके, सो हमने जितना भी स्टडी किया है, देखा है कि ज्यादातर क्या होते हैं ना, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, है ना. लेकिन देर आर साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि नहीं भैया ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ठीक है, सो देर आर सम साइंटिस्ट स्टिल बिलीव, एंड दे हैव सम
यू नो लाइक एविडेंसेस. एविडेंसेस में क्या वो बताते हैं, जैसे हम देखेंगे ना इनका बॉडी वर्क, तो आप देखना इनके बॉडी वर्क में दो लेयर होते हैं बेसिकली. एपिडर्मिस होता है जो आउटर लेयर है, गैस्ट्रोडर्मिस लेयर होता है जो कि अंदर वाला है, उसके बीच में गैप रहता है, उसे हम बोलते हैं मेसोग्लिया. जैसे आपने पिछले फाइल में पढ़ा है बहुत जगह पे कि मेसोग्लिया मतलब दो जो बेसिक लेयर होते हैं बॉडी के, उसके बीच में जो लेयर रहता है जिलेटिनस लेयर है वो, जिसमें फ्लूइड लाइक जिलेटिनस लेयर जैसा मटीरियल रहता है, उसे हम बोलते हैं मेसोग्लिया. तो इसमें भी ऐसा रहता है, इसीलिए साइंटिस्ट मानते हैं कि शायद मेसोग्लिया जो है वो थर्ड जर्म लेयर से आया हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एज वेल. बट नॉर्मली हम इसको क्या मानते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ही है, ठीक है. बट कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो अगर आप पूछोगे सर फिर हम क्या माने, एग्जाम में आया तो क्या करें, तो एग्जाम में आया तो अगर हम पढ़े क्या पढ़े, हम क्या जान के पढ़े कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ही है, ठीक है. फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग दिस, ठीक है. चलो नेक्स्ट, द बॉडी वॉल. If you see the body wall, then I just now I said it is having basically two layer, epidermis and gastrodermis. ठीक है, तो क्या है, epidermis है और gastrodermis है, दो होते हैं layer, ठीक है. Now पहले अच्छे से सुनिए इसको, then we'll discuss in detail. We'll see the diagram as well. See the body wall consists of outer epidermis and inner gastrodermis. अभी मैंने बताया कि बाहर वाला जो लेयर होता है वो epidermis होता है, अंदर वाला जो लेयर होता है वो gastrodermis होता है, और बीच में जो लेयर होता है, the middle layer is called mesoglia or it is also known as collenchyma in this case. Okay? Now the mesoglia is different from that of nidalia. ठीक है? Nidalia में जो mesoglia होता है उससे अलग होता है. कैसे? As it contains amygdalocytes, elastic fibers and muscle cells, जो कि आपके निडेलिया में नहीं होते, ठीक है. तो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, मतलब हमारे जो कॉन्जेलिया उनके मेसोग्लिया में क्या मिलता है हमें, जो कि अलग करता है उन्हें निडेलिया से, उन्हें मिलता है amygdalocyte, elastic fibers and muscle cells, okay? And from this reason, Ctenophora may be considered as triploblastic. मैंने अभी बताया था आपको कि मेसोग्लिया के लिए इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक भी मानते हैं कुछ साइंटिस्ट, ओके. चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में जाते हैं और डिस्कस करेंगे. अब देखो, दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, इनके पास एक स्पेशल टाइप का सेल होता है, एंड दो सेल्स आर एक्चुअली नोन एज कोलोब्लास्ट सेल्स. क्या कहते हैं उसे हम, कोलोब्लास्ट सेल्स और लैसो सेल्स, LASSO, लैसो, कोलोब्लास्ट सेल्स और लैसो सेल्स, ओके. एंड कहां रहते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ टेंटेकल्स. अभी हमने बताया ना कि इनमें टेंटेकल्स भी होते हैं, तो टेंटेकल्स की जो एपिडर्मिस पार्ट है, टेंटेकल्स पे जो एपिडर्मल पार्ट है उसमें रहता है स्पेशल टाइप ऑफ कुछ सेल्स, उसे हम कहते हैं कोलोब्लास्ट सेल्स और लैसो सेल्स, ठीक है. काम क्या करता है, इट हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ फूड, ठीक है. और दूसरा क्या काम करता है, देयर एडहेसिव इन नेचर, मतलब क्या है, ये चिपक सकते हैं, थोड़ा एडहेसिव नेचर होता है इनका, ये वाले जो सेल्स होते हैं. तो सबस्ट्रेटम में या कहीं पे जाके अगर ये जेली को मतलब जुड़ना है आप, या फिर मतलब अटैच होना है, तो ये सेल उसे मदद करता है. दूसरा क्या इसमें मदद करता है, फूड कैप्चर करने में, जो भी उसका फूड है उसे पकड़ने में उसे मदद करता है, ठीक है. Now, the Ctenophora do not have nematocyst. Nematocyst नहीं होता है Ctenophora में, but उसमें भी एक exception है. उसके exception का क्या नाम है? Euchlora rubra. क्या नाम है? Euchlora rubra. Euchlora. Euchlora rubra. 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 ठीक है. अब देखो, Euchlora rubra ये जो इनका स्पीसीज है, ये कॉम जेली के, इनमें होता है नेमेटोसिस्ट, ओके. वो टेंटेकल्स में होते हैं, ठीक है. एंड इसमें नेमेटोसिस्ट होता है, लेकिन क्या नहीं होता इनमें, इनमें कोलोब्लास्ट सेल नहीं होते, ठीक है. तो जो अभी हमने Euchlora rubra में जो अभी बताया, उसमें नेमेटोसिस्ट होते हैं लेकिन कोलोब्लास्ट सेल्स नहीं होते, ठीक है. लेकिन वो एक्सेप्शन है, लेकिन मैक्सिमम जितने भी आपके ये कॉम जेली है उनमें क्या होगा, उनमें आपका जो नेमेटोसिस्ट नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है. द
तो ये था आपका एपिडर्मिस जो पार्ट है हमने डिस्कस किया उसके बॉडी का बॉडी वॉल का. नेक्स्ट इज गैस्ट्रोडर्मिस. ठीक है ना. अब देखो गैस्ट्रोडर्मिस क्या है. इट गिव राइज टू कनाल एंड सेल्स ऑफ कनाल्स एंड सेल्स विच आर डिफरेंट इन नेचर. ओके सो दिस कैनाल्स एंड सेल्स आर डिफरेंट. नाउ दे हैव 8 कॉम्प्लेक्स. मैंने शुरू में बताया था कि उनके पास कितने प्लेट्स और कनाल लाइक स्ट्रक्चर्स है. देयर आर 8 कॉम्प्लेक्स. ओके एंड दीज कॉम्प्लेक्स आर नथिंग बट कॉम कैनाल्स. ठीक है. जो कैनाल्स होते हैं उसी से एक्चुअली ये प्लेट्स मतलब बनते हैं. ठीक है ना. तो कैनाल्स के जो आपका कॉम प्लेट्स है उसी के अंदर ये कैनाल बनते हैं. ठीक है ना. विच सराउंडिंग विच मींस दिस कैनाल्स आर सराउंडेड बाय सीलिया. ठीक है. तो इसमें क्या होता है ना सीलिया रहता है. ये जो आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स है इनके चारों तरफ क्या रहता है. ये चारों तरफ रहता है सीलिया. ठीक है. और उसका फंक्शन क्या है. देयर हेल्पिंग इन लोकोमोशन. क्या किसमें हेल्प करते हैं ये. लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं हम लोग. देखिए अगर हमने ये एल एस सेक्शन लिया तो दिस इज द एल एस सेक्शन. ये आपका माउथ पार्ट है. तो हमने क्या ना एक सेक्शन ले लिया उस टिनोकोडा का. एक जो हमने जो स्पीसी जो ऑर्गेनिज्म है उसका हमने सेक्शन ले लिया एल एस सेक्शन. तो उसमें हमें क्या क्या दिख रहा है जो डिफरेंट पार्ट है उसे हम समझते हैं. पहले दिस इज द माउथ पार्ट. आफ्टर द माउथ वी आर हैविंग द फैरिंग्स एरिया. देन वी हैव द स्टमक एंड देयर इज द एलिवेटेड कैनाल एंड फाइनली वी हैव द एनस. ठीक है. अब देखो आउटर मोस्ट जो लेयर है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस. ठीक है. और जो इनर मोस्ट लेयर है उसे बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस. ठीक है. तो बाहर वाला जो लेयर है एंडोडर्मिस. अंदर वाला जो लेयर उसे बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस. ठीक है. अब देखो दोनों के बीच में आपको जो लेयर मिलेगा उसे बोलते हैं मेसोग्लिया. ठीक है. क्योंकि ये 2D स्ट्रक्चर है तो आपको शायद थोड़ा सा मतलब डाउट हो रहा होगा गैस्ट्रोडर्मिस के बारे में बिकॉज दिस इज एल एस सेक्शन. अगर ये एपिडर्मिस है तो आपको ये 3D में अगर आप इमेजिन करोगे तो अंदर में क्या होगा गैस्ट्रोडर्मिस होगा. ठीक है. तो ये आपका जो यहां पे हमें एक पेयर जो प्लेट्स हमें दिख रहा है इस तरह और इस तरह. ठीक है. तो वैसे अब कितने होंगे 8 है टोटल. तो मतलब ऐसे पेयर कितने होंगे 4 होंगे. एक में 2 तो 4 में 8 तो टोटल 8 होते हैं. ठीक है. और दोज आर कनेक्टेड लाइक दिस. ये आपका जो कैनाल सिस्टम बनाता है ना. ठीक है. ये आपके स्टमक के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे कैनाल सिस्टम बनाता है और उसके ऊपर देखो सीलिया लगा हुआ है ना. अगर आप सिर्फ इस वाले पोर्शन को देखोगे ठीक है तो हम थोड़ा एक डायग्राम देखते हैं. अगर हम सिर्फ उस कॉम्प्लेक्स को लेंगे हाँ यहाँ पे देखिए आप. सो ये जो कॉम्प्लेक्स है अभी ये जो कॉम जो जहां पे कॉम्प्लेक्स में आपके सीलिया लगे हुए हैं अगर इस वाले इलाके को आप देखोगे ठीक है. अगर आप यहां पे देखोगे सो इट इज लुक लाइक अ कॉम. ठीक है. तो कॉम जैसा लगता है कंघी जैसा सिर्फ इतना ही लगता. ठीक है. इसीलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया है कॉम जेली. सो दिस इज द रीजन ऑफ द नेम. दिस इज द रीजन बिहाइंड द नेम. ठीक है. तो यहां पे जो ये सीलिया है सो दीज सीलियास आर एक्चुअली हेल्पिंग देम फॉर लोकोमोशन. और इसके अलावा इनके पास क्या होता है इनके पास टेंटेकल्स भी होते हैं. ठीक है. जो बाहर से आके यहां से निकलते हैं टेंटेकल्स होते हैं. और वो टेंटेकल्स में क्या रहते हैं टेंटेकल्स देयर हैविंग यू नो सीलिया अगेन. ठीक है. उन टेंटेकल्स में उनके पास क्या होता है उनके पास ऐसे टेंटेकल्स भी होते हैं. सो दिस विल अगेन दे विल कम आउट कम लाइक दिस एंड ईच टेंटेकल्स देयर आल्सो हैविंग सीलिया. उनमें भी सीलिया होते हैं ऐसे. ठीक है. तो जो टेंटेकल्स होगा उसमें सीलिया होता है. और वो जो टेंटेकल्स है उसमें हमने अभी बात किया कि स्पेशल तरह के सेल होते हैं बोलते हैं ग्लोब्लास्ट सेल्स व्हिच इज हेल्पिंग देम टू कैप्चर द फूड एंड ऑल्सो दे आर हैविंग एडहेसिव नेचर. ठीक है. और ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपको जो सीलिया दिख रहे हैं दे आर हेल्पिंग देम फॉर लोकोमोशन. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डोंट गेट कंफ्यूज. ये जो प्लेट्स के ऊपर आपको सीलिया दिख रहे हैं दिस आर हेल्पिंग देम फॉर लोकोमोशन. और टेंटेकल्स के ऊपर जो आपका सेल्स है और जो सीलिया है सीलियास आर एक्चुअली हेल्पिंग देम फॉर व्हाट लोकोमोशन. ठीक है. और जो टेंटेकल्स में स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिसको हम कोलोब्लास्ट सेल बोलते हैं दो सेल्स आर एक्चुअली हेल्पिंग देम फॉर कैप्चरिंग द फूड. ओके नाउ सो वन मोर थिंग वी नीड टू नो अबाउट देम. अब देखो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. दिस कॉर्न जेली दे आर अपार्ट फ्रॉम दीज सेल्स. ठीक है. उनके पास और भी सेल्स होते हैं. उनके पास
कुछ सेल होते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टोरेज सेल्स और जर्म सेल्स. उनके पास जर्म सेल्स भी होते हैं, स्टोरेज सेल्स भी होते हैं. इन द स्टोरेज सेल व्हाट दे डू, दे स्टोर द फूड, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर अगेन वी नीड टू डिस्कस, दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड फोटो सेल्स. एंड बिकॉज ऑफ दीज फोटो सेल्स, दे हैव अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर व्हाट वी कॉल bioluminescence. अब देखो bioluminescence क्या होता है. Bioluminescence is the characteristic feature of some organism where they can emit light, they can produce light. जो animals अपना अपनी body से खुद light अपना emit कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसे हम कहते हैं bioluminescence. तो जो retinophora है, इनके body में एक cell होते हैं जिसको बोलते हैं photocells, and because of that they also have the same type of feature. That is called bioluminescence. अपने बॉडी से ये लाइट इमिट कर सकते हैं, ठीक है ना. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टिनोफोरा. टिनोफोरा का ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है. नाउ दे वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट देम, दे आर द लार्जेस्ट एनिमल विच कैन लोकोमोट विद सीलिया, ठीक है. तो सीलिया से लोकोमोट करना उतना आसान काम नहीं है. नॉर्मली सीलिया, फ्लैजेला, सूडोपोडिया से जो आपकी यूनिसेलुलर या फिर जो आपके बहुत ही लोअर लेवल का ऑर्गेनिज्म है वो मूव करते हैं, वो लोकोमोट करते हैं. बट कॉर्न जेली इतना बड़ा एनिमल्स है, मतलब सबसे बड़ा एनिमल है जो कि सीलिया से मूव कर सकता है या लोकोमोट करता है, ठीक है. सो दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके. अब देखो कैनाल जो होते हैं ना, कैनाल मैंने पहले ही बताया कि कैनाल जो होते हैं या फिर उनका बॉडी फॉर्म होता है वो वैरी करता है थोड़ा बहुत, ठीक है. नाउ वन मोर थिंग कि सीलिया शोज 9+3 अरेंजमेंट. अब देखो ये 9+3 अरेंजमेंट तो आप बोलोगे सर ये 9+3 अरेंजमेंट क्या है. सी देयर इज अ टॉपिक यू विल स्टडी इन सेल बायोलॉजी वेयर वी विल स्टडी द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला. तो वहां पे हम देखते हैं कि सीलिया और जो फ्लैजेला का हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप हम स्टडी करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो प्रोटीन्स जो होते हैं ना, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, वो किस अरेंजमेंट में वो एक्चुअली लगा हुआ है, ठीक है, और किस तरह से वो अरेंज है. तो वो अरेंजमेंट का जो सीक्वेंस है वो 9+3 होता है, दो तरह का होता है बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रोटीन. तो वो जब सेल बायोलॉजी पढ़ोगे तो अब तब आपको और क्लियर हो जाएगा, तो हम यहाँ वो डिस्कस नहीं करेंगे. बस अब इतना याद रखिए कि जो सीलिया होता है दैट इज दे आर शोइंग 9+3 अरेंजमेंट. क्या कौन सा अरेंजमेंट? अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चरल जो आपका उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो, ठीक है. एंड दे आर हर्मेफ्रोडाइट. हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? They have both the, you know, sexes together in the same body. ठीक है, hermaphrodite होते हैं, है ना. अब देखो इनका थोड़ा क्लासिफिकेशन भी हमें पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा इनके बारे में और जानेंगे. जैसे the very important thing we need to discuss about them is, yeah. See, the digestive tract हमने अभी डिस्कस किया, it consists of mouth, pharynx, stomach, ये सब हमने अभी बात किया, gastrovascular canal, then finally anus, right? अब देखो nervous system क्या है इनका. nervous system they are diffused. nervous system किस टाइप का है? diffuse, जैसा nidarians में होता है बिल्कुल वैसा, ठीक है. और sense organ में, इनमें sense organ होता है क्या? ठीक है, इनमें statocyst होता है, ठीक है. statocyst क्या है? It's a balancing or sense organ or it is helping them for balance. ठीक है, तो statocyst में होता है. और nervous system कैसा है? Diffuse type है, just like nidarians. ठीक है, और reproduction कैसे करता है? देखो fertilization जो है वो generally external होता है इनका. ठीक है, so they have or they show external fertilization. Asexual reproduction जो है वो इनमें नहीं दिखता. ठीक है, नहीं होता. Development कैसे होता है? The eggs contain yolk and hence are called lacethal. ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो आपका larval फॉर्म जो है तो वो हमें दिखेगा, मतलब डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है. एंड उनमें जो सबसे बहुत ही कॉमन जो लार्वा हमें दिखता है उसे बोलते हैं साइडिपिड लार्वा. क्या बोलते हैं? साइडिपिड, CYDIPPID, साइडिपिड लार्वा. ठीक है, तो ये होता है उनका इनडायरेक्ट, उनका डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट. ठीक है, अब देखो इसके अलावा हमें और क्या जानना चाहिए? क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो क्लासिफिकेशन क्या है?
So basically the phylum Ctenophora is divided into two classes. Kya kya hai? Pehla wala hai. The first class, that is Tentaculata. First class is Tentaculata. See, they have tentacles and small stomodini. Okay. तो आप बस सिंपल इतना आपको जानना है क्या होता है उनके पास टेंटेकल्स होता है. ठीक है. एग्जाम्पल्स कैसे कैसे हैं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल जैसे है प्लूरो ब्राचिया जिसको हम बोलते हैं सी गूसबेरी एंड ऑल्सो हॉर्निफोरा उसे हम बोलते हैं सी वॉलनट. ठीक है. सो दो एग्जाम्पल्स हैं इनका. तो पहला है प्लूरो ब्राचिया. देखो प्लूरो ब्राचिया और जो सी गूसबेरी है so they reproduce only sexually. ठीक है. और लाइफ हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो उनके पास ये भी साइलिपिड लार्वा से ही इनडायरेक्टली डेवलप होके बनता है. ठीक है. बाकी सब चीजें नॉर्मली लगभग सेम ही होते हैं. मे बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, मे बी स्टैटोसिस्ट होता है. सो मोस्ट ऑलमोस्ट सेम. नेक्स्ट क्लास नंबर टू इज योर न्यूडा. न्यूडा इज द सेकेंड क्लास. एग्जाम्पल Biroe is the example of Nuda. So, two class hote hain inme. So, you please note it down. And see, in the class level, hume bas itna padhna hai ki kaun sa class hai. Aur uske do ek example bas hume yaad rakhne. Theek hai na? So, no need to study in much detail for our syllabus. This is enough. Now, the next thing we'll discuss, that is the next phylum we'll start. That is your platyhelminths. Now, what do you mean by platyhelminths? A phylum platyhelminthes or platyhelminths. Okay. So, platyhelminths is also known as flatworm. Kyun kehte hain flatworm? Because inko jo body hota hai na, wo bilkul flat hota hai. Theek hai? Bilkul hi flat body hota hai inka. Isliye hum ise kya kehte hain? Flatworm. Jaise hota hai na ribbon ya jo tape type. इसीलिए हम उसे बोलते हैं फ्लैट वर्म. इनका डॉर्सो वेंट्रली जो बॉडी होता है वो चपटा होता है एकदम. डॉर्सली वेंट्रली चपटा होता है बहुत ही रिबन लाइक. इसीलिए हम उसे बोलते हैं फ्लैट वर्म. ठीक है. और ये जो एनिमल है, ये जो ग्रुप ऑफ एनिमल है, इनका ये डिस्कवर कब हुए थे? दे वर डिस्कवर्ड इन द ईयर 1859 और एक्चुअली डिस्कवर्ड दे वर प्लेस्ड एज फ्लैट वर्म इन द एनिमल अंडर द एनिमल किंगडम. The phylum under the phylum of platyhelminthes. Okay. Our scientist kaun the? Jigen Bohr. G-E-N. Jigen Bohr. B-O-U-R. Jigen Bohr. In 1859. Okay. Abhi humne kitna species study kar liya hai? 13,000 species. Kitna species study kar liya hai? 13,000 species humne abhi tak padh liya hai. Ya phir humne discover kiya hai. Unko study kiya hai. Theek hai na? Abhi dekho. फर्स्ट क्या है उनका बॉडी फ्लैट एंडेड है. कैसा फ्लैट एंडेड है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट एंडेड. ठीक है. डॉर्सली वेंट्रली इट इज कंप्लीटली फ्लैट एंडेड और दे आर हैविंग रिबन लाइक स्ट्रक्चर और टेप लाइक स्ट्रक्चर. सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज टेप वॉर्म. ओके. नाउ द फ्लैट वॉर्म्स आर मोस्टली पैरासाइट्स बट सम फ्लैट वॉर्म्स आर फ्री लिविंग एज वेल. तो ये ज्यादातर जो आपके फ्लैटवर्म्स होते हैं ना वो पैरासाइट्स होते हैं. ठीक है. मतलब हमेशा किसी ना किसी होस्ट के बॉडी में ही रहते हैं. बट देर आर सम फ्यू एग्जाम्पल्स विच आर ऑल्सो फ्री लिविंग. फ्री लिविंग भी होते हैं लेकिन बहुत कम. मैक्सिमम क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं. ठीक है ना. और हम ये कहां मिलेंगे? ये हमें दे कैन लिव इन लैंड, दैट इज टेरेस्ट्रियल एरिया, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ऑल्सो इन फ्रेश वाटर, ऑल्सो इन मराइन वाटर. तो ये हमें ना हर जगह मिलेंगे एक्चुअली. ठीक है ना. So, ये जो फ्लैटवर्म है हमें ये हर जगह कहीं भी मिल सकते हैं. कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ समुद्र में मिलेगा. ये आपको जमीन में मिल सकता है, खारे पानी में मिल सकता है, मीठे पानी में मिल सकता है, हर जगह मिल सकता है. ठीक है ना. सिमेट्री क्या देखेंगे? इनमें बायलेटरल सिमेट्री होता है. क्या होता है ये? इनमें बायलेटरल सिमेट्री होता है. ठीक है. और ये पहले एनिमल थे जिनमें हमें बायलेटरल सिमेट्री मिला. तो अभी तक हमने टिनोफोरा डिस्कस किया, मेरिडियंस डिस्कस किया, उसके पहले पोलिफोरा डिस्कस किया. तो कहीं पे भी हमने देखा क्या कि बायलेटरल सिमेट्री किसी भी एनिमल्स का था, किसी भी ग्रुप ऑफ एनिमल का था? नहीं था.
यही पहला ग्रुप ऑफ एनिमल है प्लैटिहेलमिंथस, जिनमें हम फर्स्ट टाइम बायलैटरल सिमेट्री भी देख रहे हैं और साथ में और क्या मिला हमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो भी हमें मिला। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम बायलैटरल सिमेट्री जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है प्लैटिहेलमिंथस में डेवलप किया था और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है जानना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। सी दे शो द ऑर्गन सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो बहुत सारी चीजें इनमें फर्स्ट टाइम आया था, देखो ऑर्गन सिस्टम भी पहला बार आया, बायलैटरल सिमेट्री पहला बार आया और क्या है सेफलाइजेशन भी हमें पहली बार इसी एनिमल ग्रुप में दिखा था, दिखाया हमें। ठीक है, तो सबसे पहले जो हेड का फॉर्मेशन वो कौन किया, किस एनिमल में हुआ था, जितने भी एनिमल किंगडम एनिमल है वो था फ्लैट बॉर्म। तो फ्लैट बॉर्म के केस में सबसे पहले सेफलाइजेशन देखा गया, बायलैटरल सिमेट्री देखा गया और क्या देखा गया, ऑर्गन सिस्टम जो है वो भी देखा गया। तो ये सारी चीजें देखी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट दे आर एसिलोमेट, मतलब इनमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होता। ठीक है, सो दे आर एसिलोमेट मतलब इनमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होता, दे आर विदाउट बॉडी कैविटी। ठीक है, नाउ अभी हमने पढ़ा कि ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या होते हैं, ये एनिमल्स दे आर पैरासाइट। अब पैरासाइट में क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम आर एंडो पैरासाइट। ठीक है, बट दे आर वेरी फ्यू विच आर फ्री लिविंग एज वेल। ठीक है, तो एंडो पैरासाइट एग्जाम्पल क्या है, लिवर फ्लूक है, देन प्लीज करेक्ट इट, दिस इज नॉट टेपवर्म, दिस इज टेपवर्म, टेपवर्म, दिस इज नॉट टेपी, दिस इज मिस्टेक, इट शुड बी टेपी, दिस इज टेपवर्म, प्लीज करेक्ट इट। राइट, नाउ अब देखो एंडो पैरासाइट मतलब क्या है, एक्टो पैरासाइट, देखो दो तरह के पैरासाइट होते हैं। एंडो पैरासाइट मतलब जो एनिमल के होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है उसे बोलते हैं आपका, हम कहते हैं उसे एंडो पैरासाइट। अगर बाहर रहेगा बॉडी से, मतलब बाहर जैसे आप देखोगे जो मस्क्यूटो है, उसके बाद आपके जो लीचेस हैं, सो दे आर एक्टो पैरासाइट। ओके, एंड द एनिमल्स हु आर लिविंग इनसाइड द होस्ट बॉडी दे आर कॉल्ड एंडो पैरासाइट। तो मैक्सिमम जितने प्लैटिहेलमिंथस या प्लेटफॉर्म्स है वो क्या करते हैं ना, बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है ना, अब देखो डाइजेस्टिव ट्रैक जो कैसा होता है इनका, देखो डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होता है ना, इनकम्प्लीट होता है। ओके, और बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक इज एक्चुअली एब्सेंट इन केस ऑफ, एग्जाम्पल कैसा है, टेपवर्म के केस में तो होता ही नहीं डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, और जो उनका स्केलेटल रेस्पिरेटरी और द सर्कुलर सिस्टम इट इज ऑल्सो एब्सेंट, ये सब भी नहीं होता इनमें। ठीक है, and instead of the fluid in the parenchymal network maintain the body shape, इनमें क्या होता है ना, इनमें hydroskeleton होता है। ठीक है, उनके body में जो parenchymal जो network होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, fluid होता है, उसी से उनका body का shape maintain रहता है। तो fluid से body का shape maintain हो रहा है या फिर structure body को मिल रहा है, इसे हम इसे कहते हैं hydroskeleton। ठीक है, next the excretory system or the way they excrete, that is they are actually ammonotelic. Ammonotelic means they are excreting ammonia. The main excreted product of their body is ammonia, so that's why they are also known as ammonotelic. They are ammonotelic. Okay, and for excretion they have a special type of cell which is those cells are known as phloem cells or solanocytes, and are considered, also they are considered as protonephridia. तो उनके body में एक special type का cell होता है excretion के लिए, जिसे हम कहते हैं phloem cell और solanocytes, और हम क्या कह सकते हैं उसे protonephridia as well. Okay. अब देखो अभी हम इसका diagram देखेंगे तो आपको और clear होगा कि जो solanocytes और जो phloem cell है वो कैसा होता है। अभी देखो मैंने अभी आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्टली ये करते क्या है ना, ये न्यूट्रिशन तो सीधे जो बॉडी फ्लूइड्स है होस्ट का, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी से डायरेक्ट जो बॉडी फ्लूइड से न्यूट्रिशन है उसे वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसे डाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो द न्यूट्रिशन देयर व्हाट दे आर गेटिंग डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट बॉडी, सो दैट्स व्हाई दे डोंट नीड एनी डाइजेस्टिव सिस्टम। उन्हें तो न्यूट्रिशन डायरेक्ट मिल रहा है, तो फिर क्यों कहेंगे डाइजेशन, क्यों के पास ऐसा सिस्टम होगा, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट. नाउ दिस इज द एक्चुअली द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम फॉर द फ्लेम सेल. अब देखो इसको फ्लेम सेल क्यों बोलते हैं ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. सो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम सेल, दिस इज अ स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड सेल. ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रक्चर भी इसका ऐसा होता है. ये आपके उसकी साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है. अब देखो इसमें क्या है, इनमें सीलिया दिख रहे होंगे आपको, दिस आर सीलिया. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, दिस सीलिया दे अपीयर्स लाइक ए फ्लिकरिंग ऑफ अ फ्लेम. जो फ्लेम होता है ना, जैसे आप मोमबत्ती जलाओगे तो आपको मोमबत्ती की जो लौ है वो जैसे जलती है, तो अगर हम इस सेल को देखेंगे ना, तो उसके जो सीलियास है, जो यहां मैंने देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं, जो यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, वो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं. ठीक है ना, जस्ट लाइक अ फ्लेम. इसीलिए ये सारे जो सेल्स हैं इनका नाम क्या पड़ गया, फ्लेम सेल. ठीक है, क्या बोलते हो, फ्लेम सेल. अच्छा, ये सारे फ्लेम सेल जो, ये एक फ्लेम सेल का एग्जांपल है वो, दिस ऑल द फ्लेम सेल दे आर कनेक्टेड विद अ डक्ट, दिस इज अ कॉमन पाथ. अब देखो ये जो डक्ट होगा ना, इसी के थ्रू आपका जो उनका जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है अमोनिया, वो यहां से निकल जाएगा. ठीक है, अगर ये एंडोपैरासाइट्स है, उनके केस में ये जो सेल्स है उनका नंबर कम होता है. अगर ये अगर कोई प्लेटफॉर्म है जो कि एंडोपैरासाइट नहीं है, फ्री लिविंग है, तो उनके केस में ना ये जो सेल्स है वो ज्यादा हो जाएंगे. और यहाँ पे जो डक्ट आपको दिख रहा है, दो डक्ट, मान लो यहाँ पे एक सेल होगा, फिर यहाँ पे एक सेल होगा, फिर यहाँ पे एक सेल होगा, तो ये सारे जो है ना एक साथ जुड़ जाएंगे. मतलब ये जो डक्ट है वो आगे चला जाएगा, ऐसे ऐसे इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, और यहाँ पे भी एक सेल होगा, यहाँ पे भी एक सेल होगा, यहाँ पे भी एक सेल होगा. ठीक है, तो सेल ज्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, इन केस ऑफ फ्री लिविंग फ्लैट. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम, सो द नर्वस सिस्टम दे हैविंग अ लैडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम. इसका मतलब क्या है, द नर्व्स आर इंटरकनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स कनेक्शन. सो इन द बिगिनिंग ऑफ द दिस चैप्टर आई हैव डिस्कस्ड विद द जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्राइटेरिया ऑफ एनिमल्स. तो वहां पे मैंने नर्व सिस्टम के टाइप्स डिस्कस किए थे, तो मैंने लैडर टाइप भी बताया था, है ना. तो ये लैडर टाइप जो हमें इस जो ये वाले जो आपके प्लेटफॉर्म्स लैटरल मेंटस के जो ग्रुप है, इन्हें हमें इनमें हमें दिखता है. ठीक है ना, तो उनमें क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम वो कैसा होता है, लैडर टाइप. ठीक है, नाउ सो लैडर टाइप मतलब दे आर इंटरकनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स कनेक्शन. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज योर रिप्रोडक्शन. अब देखो मोस्ट ऑफ देम, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम मींस मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, दे आर हर्मेफ्रोडाइट्स, बट देयर बॉडी स्ट्रक्चर अलाउज देम टू अंडरगो क्रॉस फर्टिलाइजेशन एज वेल. ठीक है, तो ज्यादातर क्या होते हैं ना, हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, कुछ होते हैं ना हर्मेफ्रोडाइट्स नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं. मतलब बोथ दी सेक्सेस आर देयर इन द सेम बॉडी इवन दो द क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि उनका बॉडी का शेप ऐसा होता है कि उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन दिखता है, या फिर हम जैसे कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है. फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, और डेवलपमेंट कैसा हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है. ठीक है ना, अब देखो पहला एग्जांपल दिया है प्लानारिया, ये एग्जांपल है प्लेटफॉर्म का, उसमें क्या होता है, नो लार्वल स्टेज, इसमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होता. टेपवॉर्म, इसमें लार्वल स्टेज होता है, हैव लार्वल स्टेज, तो किसी में लार्वल स्टेज होगा और किसी में नहीं भी हो सकता है. ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. अपना जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है इस फाइलम के, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें डिस्कस करना है क्या, क्लासिफिकेशन डिस्कस करना है. सो बेसिकली दिस एंटायर फाइलम ऑफ प्लैटीहेल्मिंथस और प्लेटफॉर्म कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस बेसिकली. पहला क्लास क्या है, पहला क्लास नंबर वन इज टर्बुलेरिया. टर्बुलेरिया इज द फर्स्ट क्लास. ओके, टर्बुलेरिया का मतलब क्या होता है, स्टीरिंग, STIRRING, स्टीरिंग. द मोस्ट फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स आर देयर इन दिस ग्रुप और इन दिस क्लास. मतलब दीज आर मोस्टली फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स. सो टर्बुलेरिया जो क्लास है, इसमें जितने भी प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे वो ज्यादातर क्या होंगे, फ्री लिविंग होंगे. एग्जाम्पल है
Dugasia. Dugasia is example. Next, class number 2. Trimotoda. Trimotoda is the second class. Okay. Now, these are ecto or endoparasite worms. Is class mein jitne animals, jitne bhi aapke platform dikhenge, wo kya ho sakte, wo to either ya to ectoparasite honge, ya to wo endoparasite honge. Hai na? To example le lete hain, padh lete hain ke baare mein. Example kya hai? Fasciola is the example. Theek hai? Hepatica, padhenge hum aage. Theek hai? Class number 3. Cestoda. इसमें क्या होता है? These worms are endoparasites of vertebrates. जो vertebrates होते हैं, उनके body में maximum ये वाले जो cestoda ये आपको मिलेंगे. ठीक है? Example क्या है? Tania. Tania is the example. ठीक है? So this is all about the classification. तीन class होते हैं हमने पढ़ा. ठीक है? तो तीन class क्या-क्या हैं? Turbilaria, then Trimotoda, then Cestoda. Okay. Now we will discuss about the most important or some important examples. हम थोड़ा भी कुछ examples हैं important platforms के उसके बारे में हम discuss करेंगे. Popular example that is very important. First is your Tania solium, जिसे हम कहते हैं tapeworm. क्या कहते हैं इसे? Tapeworm. ठीक है? इसका दूसरा नाम क्या है? Pod tapeworm. क्यों? क्योंकि पिग के मसल्स में मिलता है. ठीक है? और इसका जो लाइफ साइकिल है ना, ये पिग के बॉडी में मतलब एक पार्ट होता है, मतलब बेसिकली ये डाइजेनेटिक होता है. डाइजेनेटिक मतलब क्या है कि दो होस्ट रहते हैं इनके डेवलपमेंट या लाइफ साइकिल में. ठीक है? पहला जो होस्ट होता है, ठीक है, जिसमें इसका जो आप कह सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर प्राइमरी जो होस्ट होता है उसमें क्या होता है, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है एंड बाकी का जो अदर पार्ट ऑफ द लाइफ इज कंप्लीटेड इन अदर होस्ट नोन एज सेकेंडरी होस्ट. ठीक है? तो इनके दो होस्ट होते हैं बेसिकली, एक होता है आपका जो पिग, दूसरा होता है ह्यूमन बी. ठीक है? तो फर्स्ट जो आपके होस्ट होते हैं उसमें वो जो जिस होस्ट में रहता है और उसमें दो तरह का होता है, प्राइमरी दूसरा होता है सेकेंडरी. प्राइमरी ये सेक्सुअली, प्राइमरी जो होता है उसमें वो सेक्सुअली सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट करता है प्राइमरी होस्ट में, और बाकी का जो लाइफ साइकिल है वो कहां पे कंप्लीट करेगा? सेकेंडरी होस्ट, मतलब दूसरे होस्ट में. अगर कोई एनिमल का इस तरह का दो होस्ट है विच इज हेल्पिंग देम फॉर कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल, तो वैसे हम उस तरह के लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं, लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल. ठीक है? तो जो टेनिया सोलियम है या फिर जो टेपवॉर्म है, ये पिग के बॉडी में मिलता है, और एक्चुअली नॉर्मली पिग के बॉडी में ये पिग इसका प्राइमरी जो होस्ट है उसमें इसका सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो हो जाता है. ठीक है ना? अब पूछोगे सर इंसान के बॉडी में कैसे आ जाता है, वो हम बात करेंगे. देखिए नॉर्मली क्या होता है इंसान के बॉडी में या ह्यूमन के पास, ह्यूमन के बॉडी में आने के चांसेस कैसे होते हैं? इफ समवन कंज्यूम द पोर्क मीट और द पोर्क, एक्चुअली पोर्क माने pig meat is actually called pork, where if that pig is already infected by this particular animal, so they are forming a special type of structure. Those structures are called cyst. ठीक है ना? तो जो cyst होगा वो अगर आ गया इंसान के बॉडी में तो उससे मतलब उनको भी, इंसान को भी हो सकता है. ठीक है? तो उसको समझने के लिए हमें थोड़ा डायग्राम देखना पड़ेगा. ठीक है? नाउ दिस इज द डायग्राम where we can see your tapeworm, that is your, sorry, tapeworm. So वो हम देख सकते हैं यहाँ पे tapeworm. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट क्या है? जो हेड वाला पोर्शन है, हेड पार्ट जिसे हम बोलते हैं, स्कोलेक्स. ठीक है? तो स्कोलेक्स क्या है? दैट इज अ हेड पार्ट एंड द स्कोलेक्स मीन्स where actually this organism get attached with another, which with the host body. ठीक है? So scolex क्या होता है? It's a bulb-like structure or bulb-like head-like structure, and which is getting narrower, which is actually there is an actually having a narrower and dorsoventrally flattened dead body after that, and this part extend like a long ribbon. मतलब क्या है?
के उनके जो हेड पार्ट होता है वो क्या होता है ना, द स्कोलेक्स जिसको बोलते हैं, बल्ब लाइक जैसा दिखता है, हेड लाइक हेड जो होता है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है. उसके बाद ये छोटा सा नैरो नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है. देन दे आर हैविंग अ लॉन्ग रिबन लाइक, ठीक है, जस्ट रिबन लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फर्दर एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रोबिलस. तो बॉडी में बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, पहला स्कोलेक्स हेड पार्ट, देन नेक पार्ट व्हिच इज अ नैरो पार्ट. And finally, after the narrow part, there is a wide structure, wide ribbon-like structure, which is extending further. That is called strobilus. अब देखो ये host जो sorry ये head part होता है ना, उसपे आप ये आप देख सकते हो यहाँ पे. I have marked here as hooks, and these are suckers. अब hooks का क्या काम होता है ना? Hooks are actually basically helping them, helping the organism to get attached with the दिस होस्ट बॉडी, ठीक है ना. तो होस्ट बॉडी के साथ अटैच होने में हमें कौन मदद करता है, मतलब इन ऑर्गेनिज्म को कौन मदद करता है, दैट इज योर हुक्स. ओके, सो बिकॉज ऑफ द हुक्स दे कैन एक्चुअली अटैच विद द पर्टिकुलर होस्ट बॉडी वेरी इजिली. ओके, सो द हुक्स आर हेल्पिंग देम फॉर गेट टू गेट अटैच विद द होस्ट बॉडी. Then, the most important thing we need to discuss about the animal, that is, towards the end of the body, it becomes little more wider. क्या कह रहा है? अब अगर ध्यान से डायग्राम को देखोगे तो देखो जहां नेक से स्ट्रोबिलस स्टार्ट हुआ वहां पे देखो थोड़ा सा ये नैरो है, और जितना ये आगे बढ़ रहा है, मतलब टूवर्ड्स द एंड, पीछे की तरफ, अंत की तरफ, जहां जितना भी आगे जा रहा है इसका बॉडी, आप देखो ये धीरे धीरे वाइड होता जा रहा है, ठीक है ना. सो द सेम थिंग आई हैव सेड हियर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बॉडी इट बिकम लिटिल मोर वाइडर, एंड टुवर्ड्स द एंड वी फाइंड इट वाइडेस्ट सेगमेंट्स. क्या कह रहा है कि शुरू से लेके मतलब पीछे की तरफ लास्ट जो आपका सेगमेंट है इसका, या फिर जिसको हम कहते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बॉडी, पीछे की जो अंत होता है इनकी बॉडी का, उस तरफ जब ये बढ़ रहा है हम देखेंगे तो थोड़ा वाइड हो रहा है. और सबसे ज्यादा वाइड कहां पे है? एकदम अंत में जाके सबसे ज्यादा वाइड है, ठीक है ना. अब देखो स्ट्रोबिलस इज अ सेगमेंटेड पार्ट नोन एज प्रोग्लोटिड्स. अब ये स्ट्रोबिलस है ना, इसमें आप देखो सेगमेंटेड पार्ट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, तो सारे सेगमेंट्स है. और ये जो सेगमेंट्स है इसको हम बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स. क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटिड्स, ठीक है ना. द प्रोग्लोटिड्स आर ऑल्सो आर ऑफ थ्री टाइप्स. अभी जो प्रोग्लोटिस होते हैं ना, ये जो सेगमेंट्स होते हैं, ये भी तीन तरह के होते हैं. क्या क्या होते हैं? पहला है इमैच्योर प्रोग्लोटिस, दूसरा है मैच्योर प्रोग्लोटिस, तीसरा है ग्रेविड प्रोग्लोटिस. तो हम अगले पेज में जाएंगे और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. हमने अभी डिस्कस किया कि जो स्कोलेक्स है, इट्स अ हेड पार्ट बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इट हैज अ स्ट्रक्चर व्हिच हैज अ नैरो पार्ट, ठीक है. अब क्या है प्रोग्लोटिस? प्रोग्लोटिस कितना तरह का होता है? तीन तरह का होता है. पहला क्या है? इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स. इसका क्या मतलब, क्यों इसे इमैच्योर कहते हैं? बिकॉज इट डू नॉट हैव द सेक्स ऑर्गन, ठीक है. इसमें क्या नहीं होता? सेक्स ऑर्गन नहीं होता, और ये फुल्ली बनते भी नहीं है, दे आर नॉट फुल्ली फॉर्म. मैच्योर प्रोग्लोटिस मतलब दे हैव सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है. और फाइनली थर्ड टाइप ऑफ प्रोग्लोटिड्स क्या होते हैं? ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स. ये क्या होते हैं? In this segment, that is the last segment. So, gravid proglottids कहाँ होते हैं? एकदम last जो segment होता है इस animal का, एकदम पीछे last वाले part में, last segment में जो last segment होता है, that is actually called gravid proglottids. और उसमें होता क्या है? The last segment have uterus filled with cyst. क्या रहता है उनमें? Cyst रहता है. Okay. और ये cyst में ही होता क्या actually? फर्टिलाइजेशन. तो अब फिर से डायग्राम देखेंगे, देखो यहाँ पे आपको और क्लियर होगा. एक्चुअली होता क्या है ना, पता है, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ये जो आपके जस्ट आफ्टर द नेक पार्ट, द स्ट्रोबिलस पार्ट वेयर इट स्टार्ट्स आफ्टर द नेक, ये जो सेगमेंट्स है ना, ये धीरे धीरे पहले मैच्योर होता है, और मैच्योर होता है ना, उसके बाद धीरे धीरे मैच्योर होता है. और मैच्योर होने के बाद क्या होता है, उसमें जो आपके जो सिस्ट है, जो आपकी सेक्सुअल पार्ट है जो फर्टिलाइजेशन करेगा, वो डेवलप हो जाता है. उसके बाद ना वो बॉडी से डिटैच हो जाता है. That is very very interesting. तो यहां से स्टार्ट होता है, immature होता है पहले, फिर mature होता है, उसके बाद जब पूरा sexually develop हो जाता है, फिर body के जो end part है, वहां से ये जो segments है, ये जो पूरा जो last segments है, last segment
it will get detached, nikal jate hain body se, it will get detached. So it is very very interesting. To pehle kya hota hai, immature jo segments hai, jo proglottids hum jise kehte hain, see this all segments are called proglottids. Ye segment jo hote hain strobilus mein, ise bolte hain proglottids. ये पहले इमैच्योर होते हैं नेक पार्ट में, जितना हेड पार्ट के पास वाला जो सब इमैच्योर है, धीरे 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 वो मैच्योर होता है, और जब मैच्योर हो जाता है सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, सिस्ट बन जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाता है, तो ये फिर यहां से बॉडी से डिटैच होता है, ठीक है ना. और उसके बाद क्या होता है आफ्टर दैट फ्रॉम द नेक रीजन, मतलब अभी मैंने आपको जो बताया द सेम थिंग, ठीक है, द सेम थिंग, same thing it is there in this point. See, from the neck region new proglottids are formed. Wahi maine aapko bataya, neck region se naye naye proglottids bante rehte hain, segment bante rehte hain, and from the last part that is the gravid proglottids are detached from the detached, and this process abhi detach ho jata hai na, ise hum bolte hain apolysis. Kya bolte hain, ye jo process hai jisse ye proglottids banta hai, mature hota hai aur finally detach ho jata hai, ise hum kehte hain एपोलाइसिस. क्या कहते हैं हम इसे, एपोलाइसिस, ठीक है. नेक्स्ट द फर्टिलाइजेशन इज, इट्स फर्टिलाइजेशन इज सेल्फ एंड इंटरनल. फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ये इनमें क्या फर्टिलाइजेशन हमें दिखता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन दिखता है जो कि इंटरनल है, ठीक है. एंड द सिस्ट आर एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी विथ फीकल मैटर. अब ये जो सिस्ट है ना, क्योंकि ये बॉडी में, अभी पिक के बॉडी में मान लेते हैं कि पिक के बॉडी में ऐसा सिस्ट बना और वो डिटैच हो गया, एपोलाइसिस हो गया, तो पिक के बॉडी से वो निकलेगा कैसे, इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर, फीकल मैटर के साथ निकल जाता है, ठीक है. अब वो फीकल मैटर मान लो किसी भी तरह से कहीं भी जाके वो ट्रांसपोर्ट हो गया, किसी भी तरह से किसी एनिमल के बॉडी में चला गया, तो उनको भी हो सकता है, ठीक है. सो दिस इज द वे इट एक्चुअली स्प्रेड. नाउ ड्यू टू द एपोलाइसिस द सेगमेंट्स आर लॉस्ट, दैट इज द ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, दे कम्स आउट विद द फीकल मैटर. अभी मैंने बताया फीकल मैटर के साथ क्या होगा, वो जो ग्रेविड्स प्रोग्लॉटिड्स है वो बाहर आ जाएंगे, जो कि जिसमें क्या है, सिस्ट है, विच आर सेक्सुअली मैच्योर. अब क्या वो सिस्ट क्या है ना, पूरा एकदम जो आपकी नया प्लेटफॉर्म वो बन सकता है, ठीक है ना, सिस्ट एंड द एंटायर इनसाइड द पिग्स बॉडी. इसी तरह से पिग्स के बॉडी में बार बार ये एंटर कर जाता है, ठीक है. नाउ दिस सिस्ट गेट डिपोजिटेड अंडर द मसल क्लोजर टू द स्किन. अभी जो सिस्ट है ना, अभी ये सिस्ट अगर फिर से किसी दूसरे पिक के बॉडी में चला गया या फिर किसी दूसरे एनिमल के बॉडी में चला गया, तो क्या होगा ना, वो कहां जाकर जमा होता है, बेसिकली जो स्किन के नीचे मसल के अंदर, ठीक है ना. अब स्किन के नीचे मसल के अंदर होता है, इसके लिए एक यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा. मान लेते हैं कि ये पिक का स्किन है, ठीक है ना, तो स्किन के नीचे जमा होता है, तो इसीलिए ना स्किन के ऊपर ऐसे बम्पी और पफी ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस सिस्ट दे गेट डिपोजिटेड अंडर द स्किन. तो ये स्किन के नीचे जमा हो जाते हैं, मान लो यहाँ पे ये सिस्ट जो है वो जमा हो गया, ठीक है, मसल्स में जो कि स्किन के बिल्कुल नीचे है. तो ये जितना जमा होगा यहाँ पे, उतना ये मसल जो है ये बोल सकते फ्लफी हो जाता है, या फिर जो होता है ना कि थोड़ा सा आपको जब व्हेन यू टच इट विल बिकम लिटिल बिट स्वेलन, ठीक है ना, तो वैसा स्वेलन स्ट्रक्चर बन जाता है स्किन के ऊपर, किसके, आपके पिग के या फिर जो भी एनिमल होगा जिसके बॉडी के नीचे ये जाके जमा हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं मीजली पोर्ट. मीजली मतलब जो आपकी मीजल्स होते हैं ना, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज मीजल्स, सो थोड़ा थोड़ा मीजल्स जैसा स्किन के ऊपर बन जाता है, विच इज एक्चुअली स्वेलन एंड फ्लफी, ठीक है, वो वैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको उस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम बोलते हैं मीजली पॉट. अगर किसी भी पिक के बॉडी में ऐसा हुआ, नॉर्मली हम इसे मीजली पॉट का बोलते हैं जब ये मान लो कोई ऐसा पिग है जिसको जिसके बॉडी के स्किन के नीचे और मसल के अंदर ये सिस्ट जो प्रोग्लोटिड्स ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स वो है, और इसके लिए स्वेलन स्ट्रक्चर बन चुका है, बम्पी स्ट्रक्चर है, फ्लफी स्ट्रक्चर है उनके स्किन के ऊपर, और उनको अगर ये बूचरी शॉप पे जाके उसका जो मीट है वो मजार में आ गया, तो हम कैसे पता कर सकते हैं देख के कि ये पोर्क जो है मीट अच्छा है कि बुरा है. अगर उसके स्किन में ऐसे बम्पी स्ट्रक्चर है और जो कि फ्लफी है, जो कि स्पंजी है, ये वाले स्ट्रक्चर ऐसा है, तो हम उसे बोलते हैं मीजली पोर्क, मीजल जैसे बन जाते हैं, तो वो पोर्क जो है वो दैट इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ, यू कैन नॉट कंज्यूम दैट, यू शुड नॉट कंज्यूम दैट. ओके, इससे क्या होगा कि अगर अच्छे से हम उसे हाई टेम्परेचर में कुक नहीं करेंगे, उसे हम
कंज्यूम कर लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे बॉडी में भी फ्लैट वर्म आ सकता है. ठीक है, तो मीजली पॉट, आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट, अब देखो डेवलपमेंट ऐसा होता है, ये जो आपकी टेनिया सोलियम है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट और दो तरह के लार्वा हमें मिलता है इनके केस में. ठीक है ना, सो यू नीड टू रिमेंबर देयर नेम्स, दैट इज फर्स्ट इज हेक्साकैन, सेकेंड वन इज सिस्टिसिर्कस. ओके, सिस्टिसिर्कस ही बोल सकते इसको. क्या है दूसरा, सिस्टिसिर्कस, पहला क्या है हेक्साकैन. सो दे दो तरह के आपके जो लार्वा होता है, बिकॉज बाय दिस two different types of larva, they are developing indirectly. Next is taeniasis. Ab taeniasis kya hua, kya hai sir, taeniasis is nothing, it's a disease caused by this taenia solium. agar kisi ko taeniasis jo aapke maine bhi bataya, jo proglottids, gravid proglottids agar body mein chala jaye, kisi ko agar tapeworm ka infection ho jaye, to waise condition mein use kehte hain taeniasis. waise theek hai, us disease ka naam hai. symptoms kya ho gaye, देखो नॉर्मली क्या होता है ना, ये आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाके ना, इसके जो हुक्स जो हमने अभी पढ़े थे, उसके मुंह में हुक्स होते हैं ना, हेड पार्ट में, उसमें जो जिसको हम बोलते हैं स्कोलेक्स, तो स्कोलेक्स में जो हुक्स होते हैं ना, दे विल अटैच विद द हुक्स इन योर एब्डोमिनल और द एलिमेंट्री कैनाल, स्पेशली इन द इंटेस्टाइनल पार्ट, एंड थ्रू देयर सकर्स दे विल सक द न्यूट्रिशन फ्रॉम योर बॉडी. ओके, तो उसके सिम्टम्स क्या क्या है, देखो सिम्टम्स क्या है, अगर कोई आपके एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइनल पार्ट में, अगर किसी ने हुक से अटैच करके सकिंग कर रहा है कंटिन्यूसली, तो क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है, और क्या होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा. ठीक है, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सवाल भी आता है, आ भी सकता है, फिर से आ सकता है, कि ये जो सारे आपके फ्लैटफॉर्म्स है ना, इनका रेस्पिरेशन कैसे होता है, दे आर ऑल एनएरोबिक इन नेचर, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे डोंट नीड ऑक्सीजन, दे आर एनएरोबिक इन नेचर. ओके, so that was all about the taenia solium example. Next example is planaria. Planaria is the next example. See, pehla wala jo padha humne taenia solium, wo kya tha, wo aapka parasite tha, endoparasite tha, uske body mein rehta hai matlab. abhi next example hum padh rahe hai na, this is your planaria and they are free living. inme kya hota hai na, ye endoparasites nahi hai, ye free living hai, ye nature mein free rehta hai. theek hai, aur kahan milega aapko, फ्रेश वाटर में मिलेगा. प्लानारिया में कहां दिखता है, फ्रेश वाटर, और ये फ्री लिविंग होता है. फ्री लिविंग मतलब नेचर में रहता है, नॉर्मल कंडीशन में, किसी होस्ट के बॉडी पे नहीं. अब देखो इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ना, वो प्लैटिहेल्मिंथस के जितना जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस किए वही सेम ही होता है, क्योंकि ये भी प्लैटिहेल्मिंथस है, तो सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक सेम है, कुछ स्पेशल फीचर ऐसे हम जो पढ़ेंगे. ठीक है ना, बिकॉज अब देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक सबको सेम ही होंगे. अब हमने क्या बताया, शुरू में हमने क्या डिस्कस किया, कि जितने भी आपके मैक्सिमम जो प्लैटिहेल्मिंथस है या फिर जो प्लेटफॉर्म है, वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं. ठीक है, कुछ जो होते हैं फ्री लिविंग. अब देखो जो एंडोपैरासाइट्स है, उसे बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है, जैसा हमने डिस्कस किया, उनमें ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जरूरत ही नहीं है. व्हाई, बिकॉज डायरेक्टली दे आर एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट बॉडी, उन्हें क्या डाइजेशन करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है ना. लेकिन जब एनिमल जो फ्री लिविंग है, तो उसे बाकी सारे जो ऑर्गन है उसे डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि उसे सर्वाइव करना है उस एनवायरमेंट में, है ना. सो देयर लाइफ इज मोर टफ कंपेयर टू द एंडोपैरासाइट, राइट. सो बिकॉज दे आर फ्री लिविंग, दे डेवलप सम सेंस ऑर्गन लाइक आईज. ओके, तो क्या करते हैं वो, पहला क्या है, सेंस ऑर्गन डेवलप कर लिया, देखो, क्योंकि उन्हें लोकोमोट करना है, मूवमेंट करना है, उन्हें फूड ढूंढना है, सर्वाइव करना है, इसीलिए उन्हें उनके उनकी बॉडी में क्या डेवलप हो गया, उनके बॉडी में आईज डेवलप हो गया, सेंस ऑर्गन डेवलप हो गया. ओके, एंड दिस प्लानारिया, दे आर आल्सो नोन एज ड्यूगेसिया. ड्यूगेसिया इज द अनदर नेम ऑफ दिस प्लानारिया, राइट. नेक्स्ट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द डायग्राम जस्ट आफ्टर दिस इमीडिएटली. सी, उनमें क्या होता है ना, देयर हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगल जैसा उनका हेड होता है. ठीक है, एंड देयर आर टू रूडिमेंटरी आईज. अभी मैंने बात किया कि वो सेंस ऑर्गन जो उस पर आई डेवलप हो जाता है, तो उनके पास आई तो होता है, लेकिन बहुत ही छोटा छोटा, बहुत ही प्रिलिमिनरी टाइप का आई डेवलप होता है, इसलिए उसे बोलते हैं रूडिमेंट्री आईज, बेसिक आई है बस. वो फोटो सेंसिटिव होते हैं, एकदम हमारे जैसे आंख है, या फिर एडवांस जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जो भी आपके ज्यादा डेवलप ऑर्गेनिज्म है, उनके जैसा नहीं, बस बेसिक आई उनमें डेवलप होता है, मतलब क्या है, जो फोटो सेंसिटिव है ना. नाउ देयर बॉडी इज फ्लैट. एक तो हेड क्या है, ट्राइंगुलर है, बॉडी क्या है, फ्लैट है. कैसा है फ्लैट, जैसे होता है ना लीफ,
पत्ता होता है ना वैसा पत्ता उनका पत्ता जैसा फ्लैट होता है इनका बॉडी, इसीलिए तो इनका नाम है फ्लैट फ्लैट डॉग। इनके सारे जितने भी एनिमल्स इस ग्रुप में आते हैं उनके बॉडी क्या होता है, इट्स वेरी वेरी फ्लैट, ठीक है। बट इन प्लैनेटेरिया के केस में कैसा है, ये पत्ते जैसा दिखता है, ठीक है। नाउ देयर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हाट वी कैन सी और व्हाट इज आल्सो कॉल्ड द फैरिंग्स कम आउट फ्रॉम द माउथ, उसे हम कहते हैं प्रोट्रूसिबल फैरिंग्स। अब इसको डिस्कस करेंगे। तो ऐसा होता है कि अगर हम उसको डॉर्सली देखें वेंट्रली देखें तो हमें क्या मिलेगा ना, उनमें माउथ पार्ट होता है, ठीक है ना, और माउथ पार्ट ना एकदम सेंटर पे होता है और माउथ से क्या होता है ना जो फैरिंग्स का जो पार्ट है वो बाहर निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, इट इज हेल्पिंग देम टू कैच द फूड, ठीक है ना, और उसी को क्योंकि जो फैरिंग्स है वो बाहर निकल गया इसीलिए हमने क्या कह दिया उसको प्रोट्रूसिबल। प्रोट्रूसिबल मतलब प्रोट्रूडर मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ, प्रोट्रूडर मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ, उसे बोलते हैं प्रोट्रूडर। तो ये क्या है, प्रोट्रूसिबल फैरिंग्स है, जैसे हमने पहले पढ़ा था फैरिंग्स वाला पार्ट एलिमेंटरी का नाम था, तो इनमें भी फैरिंग्स होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, बॉडी से बाहर कैसे निकलता है, इन अ फॉर्म ऑफ इन अ फॉर्म ऑफ अ ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है। उसे क्या हेल्प करता है, उसे इट इज हेल्पिंग देम टू एक्चुअली फाइंड द और टू एक्चुअली एक्वायर द फूड, ठीक है। अच्छा, दे आर ऑल्सो हर्मेफ्रोडाइट, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। तो ये क्या होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है आपका इंटरनल और डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट, ठीक है। ये देखो अभी हमने जो डिस्कस किया इसका डायग्राम ये है, अभी हमने बात किया ना कि इनमें जो हेड होता है ट्रायंगल होता है, देखो ट्रायंगुलर शेप का हेड है, ये इनकी रूडिमेंट्री आईज है, ठीक है, और ये डॉर्सल व्यू है, डॉर्सल अगर हम ऐसा देखेंगे, और देखो हमने क्या पता पढ़ा कि डॉर्सल वेंट्रली फ्लैटेंड है तो एक लीफ लाइक जैसा दिख रहा है ना, सो दे आर हैविंग अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और ये वेंट्रल साइड अभी हमने बात किया तो उनके जो माउथ पार्ट से क्या होता है फैरिंग्स, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसा बाहर निकल जाता है, इसे हम बोलते हैं प्रोट्रूसिबल फैरिंग्स, ठीक है ना। दिस इज हेल्पिंग, दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग देम फॉर एक्वायरिंग फूड्स। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, मूव ऑन, द नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड द लास्ट एग्जाम्पल फॉर टूडेज लेक्चर, सॉरी फॉर दिस फाइल एंड ऑल्सो फॉर दिस लेक्चर, हम इतना एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, इससे ज्यादा एग्जाम्पल्स जरूरी नहीं है, दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फेसियोला हेपैटिका, फेसियोला हेपैटिका, कॉमनली क्या कहते हैं हम, फ्लूक और शिप लीवर फ्लूक, लीवर में मिलता है हमें किसके, ज्यादातर शिप के लीवर में हमें दिखता है, इसे बोलते हैं फेसियोला हेपैटिका, इट्स अ फ्लूक और वी कैन कॉल इट एज शिप लीवर फ्लूक, ओके। बॉडी कैसा होता है, अगेन जैसे हमने देखा ना प्लैनेटरी के केस में बिल्कुल वैसा लीफ लाइक होता है और फ्लैट होता है, ठीक है ना, और दे कैन बी बाइसेक्सुअल और हर्मोफ्रोडाइट, दोनों ही हो सकते हैं, या तो बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं या हर्मोफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट, ओके, और उनमें काफी सारे डिफरेंट तरह के लार्वल स्टेजेस होते हैं, सो देयर इज नो नीड टू डिस्कस ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वल स्टेज, बहुत सारा के डिफरेंट डिफरेंट तरह के लार्वा हमें दिखता है, डिफरेंट 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 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, ओके, सो नो नीड टू डिस्कस ऑल दोस लार्वा इन डिटेल, दिस इट इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस। Now, it is endoparasite. Normally क्या होता है, अभी हमने बात किया कि शीप के लिवर में ज्यादा मिलता है, इसका मतलब क्या है, ये endoparasites है, ठीक है, और इसका भी क्या होता है लाइफ साइकिल, डाइजेनेटिक होता है, किस किस के बीच में होता है, गोट या शिप, ये होता है इनका एक होस्ट, प्राइमरी होस्ट, और सेकेंडरी होस्ट क्या है, स्नेल, ऑल्सो नोन एज लिमनी, लिमने या स्नेल, तो दो इनका होस्ट होता है, एक होता है प्राइमरी जिसको जो उनका क्या है प्राइमरी होस्ट गोट हो सकता है या तो शीप हो सकता है, सेकेंडरी होस्ट क्या होता है स्नेल, जिसे हम कहते हैं लिमने, लिमने भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्या है, दे आर एनएरोबिक इन नेचर, ये भी क्या होता है ना, एनएरोबिक होते हैं, दे आर ऑल्सो एनएरोबिक इन नेचर, मतलब इनको भी क्या नहीं चाहिए, इनको भी आपका कोई भी जो आपके ऑक्सीजन है रेस्पिरेशन के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो अभी हमने देखा कि ये जो आपके लिवर फ्लूक है ना, तो ये लिवर में रहते हैं, तो बेसिकली ये खाते के, मतलब इनका जो फूड क्या होता है या फिर इनका जो न्यूट्रिशन किससे मिलता है, सो बेसिकली दे फीड ऑन ब्लड लेंथ एंड ब्लड सेल, तो यहां पर ये पॉइंट लिख लेना जो शायद मैंने नहीं लिखा, दे फीड ऑन ब्लड लेंथ एंड ब्लड सेल्स बिकॉज दे आर लिविंग इन द लिवर,
ठीक है ना. तो किसके क्या कंज्यूम करते हैं ये, किससे उनको न्यूट्रिशन मिलता है, दे फीड ऑन ब्लड लिम्फ एंड ब्लड सेल्स. ठीक है, और क्या होते हैं, एनएरोबिक इन नेचर होते हैं. अच्छा, टेनिया सोलियम हमने पढ़ा था इसके पहले. दूसरा एग्जांपल आप देख लो, और एक टेनिया सजिनटा, बिल्कुल सेम होते हैं, सब कुछ सेम है. जैसा हमने पॉड के टेनिया सोलियम में पढ़ा, बिल्कुल वैसा इनके उनका बॉडी का स्ट्रक्चर, उनका हेड स्वाबिलस जो हमने डिस्कस किया, प्रोग्लोटेड, सब होते हैं, सब कुछ सेम है. सिर्फ डिफरेंस क्या है, वो हमें पॉर्क में दिखता है और ये वाला हमें बीफ में दिखता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं बीफ फॉर्म. ठीक है ना, बाकी सब कुछ सेम है. ठीक है, नाउ वन मोर थिंग आई नीड टू डिस्कस लास्टली बिफोर वी क्लोज टुडेज लेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दे हैव वेरी हाई रीजनरेशन पावर. अभी जो आपके फ्लैटवर्म्स होते हैं ना, यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ रीजनरेशन कैपेसिटी दे हैव. मैं आपको बताता हूं, अगर आप मान लीजिए कि अगर हम एक जो पोर्क है और उसके बॉडी में मान लेते हैं कि जो आपके ये टेपवर्म है उसके मसल्स में है, तो मान लीजिए कि हमने किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति आया बाजार से पोर्क लिया और उसके काफी सारे पीसेस करके वो ले गया, तो क्या होगा, उस पीसे से मान लीजिएगा छोटा सा भी उसके टेपवर्म का एक छोटा सा टुकड़ा भी रह गया, तो उससे भी पूरा टेपवर्म बन सकता है. अगर हम टेपवर्म के 100 टुकड़े कर दिए तो एक एक टुकड़े से एक एक टेपवर्म फिर से बन सकता है. दैट इज अ लेवल ऑफ रीजनरेशन दे हैव. सो दैट्स व्हाई आई मेंशन हियर दे हैव वेरी, देखो मैंने हाई नहीं लिखा, ये भी लिखा है कि दे हैव वेरी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, एक्सेप्शनल रीजनरेशन कैपेसिटी. थोड़ा इमेजिन करो, अगर आपका हाथ कट जाए तो दोबारा बन सकता है क्या, नहीं बन सकता. लेकिन अगर इनको तो हाथ, इनके बॉडी को तो छोड़ दो, मतलब इनके बॉडी को अगर आप 100 पीसेस में डिवाइड कर दिए तब भी एक पीस से वो नया जो आपका इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वो डेवलप हो सकता है. कैन यू इमेजिन दिस लेवल ऑफ regeneration capacity. Okay, so that was the most important part we need to discuss before we close the chapter. I hope it is clear. And lastly, before I close, I need to tell one thing to all of you. देखो आप ये online classes है तो आप सबको मैं यहाँ पे जो भी आपको possible है, मतलब because it is not possible to type all the points because I cannot do that. Technicalities are there. So I'm writing, so you have to listen to me what I'm explaining, and along with that you have to write. So simply don't believe or don't actually depend on the pages what you can see in the video. Also listen to the lecture, see the diagram, listen to the lecture, pause and repeat. Agar aapko fir se samajh mein nahi aaya, sunai nahi diya, to usko pause karo aur wapas 10 second piche jao ya 30 second piche jao, fir se suno aur fir likho, aise karke padho. ठीक है ना, सो दैट वॉज माई सजेशन. थैंक यू. सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड डिस्कस द नेक्स्ट फाइल. टिल देन टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ, गुड नाइट.